आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए 28 दल के 63 नेता पहुंचते हैं। कल की बैठक में विपक्षी गठबंधन कई बड़े फैसले लेने वाली। आज अदाणी को लेकर नया आरोप लगता है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब तक दोपहर में खबर आती है। खबर 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की। सब पूछने लगे कि अभी तो मानसून सत्र खत्म हुए, एक महीने भी नहीं बीते, विशेष सत्र की जरूरत क्यों आन पड़ी? सत्ता पक्ष से कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता, जो बोलते हैं सूत्र बोलते हैं। सूत्रों ने कहा कि एक देश एक चुनाव का बिल सरकार ला सकती है। खबरें अभी पुख्ता नहीं, लेकिन दावा हुआ कि यह टीम इंडिया के लिए सरप्राइज टेस्ट है। कैसे ये बताएंगे, उससे पहले देखिए खबर आज आई कैसे। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक ग्रिड, एक देश एक मोबिलिटी कार्ड, एक देश एक टैक्स, एक देश एक संविधान की तरह क्या एक देश एक चुनाव की तैयारी हो चुकी है और चर्चा शुरू होने जा रही, जिसकी बात लंबे वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। मैं समझता हूं फिर एक बार दोनों सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों के सामने एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन दिशों इसको करें। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे, लोकसभा चुनाव में 8 महीने बचे, तब अचानक आप सोचेंगे एक देश एक चुनाव की खबरें कैसे उठने लगी, यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, अचानक कैसे इसकी चर्चा देश में शुरू हुई। गुरुवार दोपहर की बात है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का सोशल मीडिया पर एक बयान आया जिसमें लिखा दिखा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसी के बाद चर्चा शुरू हुई कि आखिर ये सत्र क्यों बुलाया गया। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की खबर आते ही सोशल मीडिया में अटकलों की बाढ़ लग गई। कोई पूछने लगा कि क्या यूसीसी का बिल आ रहा, किसी ने लिखा महिला आरक्षण बिल ला रही सरकार, कोई पूछने लगा क्या देश में जल्दी अब चुनाव होने जा रहे, किसी ने पूछा जनसंख्या नियंत्रण बिल क्या सरकार लाने जा रही। सूत्रों के हवाले से तब बड़ी खबर आई कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसमें एक देश एक चुनाव पर बिल लाकर चर्चा कराने जा रही है। एक देश एक चुनाव का जिक्र सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 2018 के फरवरी महीने में संसद के भीतर किया। ये पक्षापक्षी से परे का विषय है, देश हित के विषय में हो सकता है इसमें मतभेद भी हो, लेकिन तर्क की चर्चा तू मैं से ना हो, एक प्रामाणिक पवित्रता से हम बहस करें, मिल बैठ के कोई रास्ते खोजे, और मुझे लगता है कि हम इसको आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। एक बार दोनों सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों के सामने एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन दिशों इसको करें। तो क्या वाकई जब चंद्रयान की सफलता मिल चुकी है, सूर्ययान भेजने की तैयारी हो चुकी है, G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, पहली तिमाही में जब एक साल के भीतर सबसे तेज बढ़ी हुई विकास दर का मेडल सरकार के पास है, तब 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिन संसद में एक देश एक चुनाव का बिल लाकर चर्चा शुरू हो जाएगी। स्पेशल सेशन ये शब्द पूरे देश में गुरुवार दोपहर से चर्चा के केंद्र बिंदु में खड़ा है, जहां किसी को पक्का पक्का साफ नहीं हो रहा कि आगे क्या होना है। बीजेपी सांसद भी कुछ साफ नहीं बोल रहे, विपक्ष जरूर इसे सत्ता की घबराहट बताने लगा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और 3 राज्यों का चुनाव है, वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे।
ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो राज्यों में चुनाव हारने जा रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, विपक्ष से आपको बात करनी होती है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला के आपको बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहां कोई फैसला लेने के पहले आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी आप कोई फैसला ले सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बिल लाने के लिए है, मगर ये ऐसे विषय हैं जिसको की पॉलिटिकल गिमिक के रूप में न करके एक बैठ के विचार करके सारे स्टेक होल्डर से बातें करके कैसे इसकी बारीकियां होंगी, इसकी पेचीदगियां होंगी वो करके लाने के बजाय अगर ये बुलडोज करती है तो इसे चुनावी गिमिक माना जाएगा। ध्यान भटकाने के लिए संसद के विशेष सत्र की बात की गई और सूत्रों से ये खबर फैलाई जा रही है कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है, चाहे वो जितना भी प्रयोग कर ले, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर विश्वास करने वाली नहीं है। संकेत, सूत्र और सस्पेंस के बाद सब कुछ सवालों की दस्तक के घेरे में, क्या विशेष सत्र ही 17वीं संसद का आखिरी सत्र होगा, क्या समय से पहले लोकसभा चुनाव होगा, क्या दिसंबर में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आगे टालकर लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव देश में एक साथ किए जाएंगे। विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये लोग पास आ सकते हैं, साथ नहीं आ सकते। अभी विपक्ष के 28 दल लोकसभा चुनाव के लिए साथ आए हैं। सवाल यही है कि अगर देश एक चुनाव की बात आती है तो क्या लोकसभा के लिए हुई एकता विधानसभा चुनाव के लिए भी इंडिया गठबंधन की दिखेगी? पटना और बेंगलुरु के बाद जब तीसरी बैठक करने इंडिया गठबंधन के दल मुंबई पहुंचते हैं और पहुंचने के साथ ही दलील केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी जीत की देने लगते हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हटाना होगा, होगा खेला होगा, खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएगी। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। जो लोकतंत्र पर खतरा है उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें, तो इसलिए हम लोग जो है ये तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में होने वाली है। तब विपक्षी गठबंधन को अंदाजा नहीं रहा होगा कि शुक्रवार की जिस बैठक के लिए 28 दल के 63 नेता मुंबई मंथन करने पहुंचे, जब वो अपने गठबंधन के ढांचे और स्वरूप को विस्तार देने की चर्चा करने जा रहे हैं, तब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा अस्त्र भी चल सकते हैं जिससे विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक का एजेंडा ही डिरेल हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? विपक्षी गठबंधन शुक्रवार को मुंबई में यह तय करने जा रहा है कि इंडिया अलायंस का लोगो कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी कैसी बनेगी, नेशनल एजेंडा तय करने वाली कमेटी कैसी होगी, साझा चुनावी अभियान के मुद्दे कैसे होंगे, 5-10 संयुक्त प्रवक्ता कौन से होंगे। तब अब ये जवाब भी इंडिया गठबंधन को देने के लिए तैयारी करनी होगी कि क्या एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विपक्षी एक मत से विरोध में है। विपक्ष को यह तय करना होगा कि जो एकता लोकसभा चुनाव के लिए 28 दल दिखाते हैं वही एकता विधानसभा चुनाव के लिए भी होगी। इंडिया गठबंधन को तय करना होगा कि ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में मोदी के खिलाफ एक रहेंगे और विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे, जिसका अंदेशा पहले भी एनडीए की ही महामंथन वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस
एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं, आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे, देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। अभी आपको एकता दिखाते इंडिया गठबंधन के बीच में आम आदमी पार्टी दिखती, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव सच बनता है तो ये साफ करना होगा कि क्या केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी, या फिर लोकसभा में एकता और विधानसभा में कोई किसी को नहीं देखता हो जाएगा। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ सकती है। सर खड़गे साहब, आर यू रेडी सर? सर आर यू रेडी फॉर इट? वन नेशन वन इलेक्शन की तो बगैर हम राय मशवरा कर, बगैर सारे स्टेक होल्डर से पूछ कर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर, बगैर उनसे ये पूछ कर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ करके इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। तिल मिलाई हुई, घबराई हुई एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ पावर में अपना पावर दिखाने की कोशिश करें, हम उसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार किसी से कोई राय मशवरा तो करती नहीं है, किसी दल से कोई बातचीत नहीं करती है। क्यों सत्र बुलाया गया है, क्या करना चाहते हैं, पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया, गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र सरकार इस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट रही है। बात सिर्फ एक देश एक चुनाव की ही नहीं, संसद का जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया जा रहा है, इसमें सूत्र कहते हैं कि कई और एजेंडा सेट कर देने वाले बिल पेश हो सकते हैं। तब क्या स्थिति होगी इंडिया गठबंधन की समझिए। क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच हुई एकता का परीक्षण होगा तो महिला आरक्षण बिल भी पेश होने का दावा है, यानी इस पर भी इंडिया गठबंधन के दलों को अपना स्टैंड साफ करना होगा। तीसरा बिल यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, दावा है कि ये पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के दलों को इस बिल को लेकर भी अपनी एकता दिखानी होगी, स्टैंड साफ करना होगा।